गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करती है कि आपको एडवाइजर बनाती है फाइनेंशियल मैटर्स पे. चले बट लेट्स जस्ट पुटिंग इनटू सम पर्सपेक्टिव. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको टास्किंग करती है कि आप एज ए फाइनेंशियल एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट 3 या 4 या 5 बेसिक स्टेप्स बताएं जो कि आपकी फौरी तरजीहात होंगी इकोनॉमी रिपेयर करने के लिए. आप क्या स्टेप्स लेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर? I go back to my roots, capital markets. Okay? सब में पहले तो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 2.5 लाख लोग कैपिटल मार्केट्स के अंदर हैं. ओके? और उसमें से कोई 45 या 50 हज़ार एक्टिव हैं. उसके बावजूद हमारे कैपिटल मार्केट्स की वैल्यू $35 अरब है, जिसके अंदर 30% ओनरशिप जो कैपिटल मार्केट्स की है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है. BPL, OGDC, SNGPL. आप अगर हर बैंक अकाउंट को ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट से कनेक्ट करते हैं, आपके पास कम से कम 10 करोड़ 5 करोड़ लोग तो आ जाएंगे. ईरान जैसे मुल्क में उनकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू $350 अरब है, हमारी $35 बिलियन पे है. हम उस वक्त एक स्टॉक को 50 से 600 रुपये पे जाने में 3 साल में कोई बड़ी बात नहीं है. हम उस वक्त अपने एसेट्स को बेच के, गवर्नमेंट के एसेट्स को बेच के कर्ज क्यों नहीं उतार सकते? नंबर 1. नंबर 2, आई वुड कर्टेल द इनपुट्स. कर्टेल मतलब देखिए टफ डिसीजंस. द रीजन अ पर्सन लाइक मी कैन नेवर बिकम अ फाइनेंस मिनिस्टर इज टू हाउ मच ऑफ सच इनपुट्स, लग्जरीज. आपने एक दफा लैंड क्रूजर खरीदी हुई है ना, तो भाई अगले 15 साल तक आप नहीं खरीद सकते, भाई चलाए. एक मिसाल दे रहा हूँ. पीपल लाइक मी वुड टेक ड्रास्टिक इंटरेस्ट मेजर्स बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. ओके? आई वुड ऑल्सो आस्क फॉर प्रोटेक्शनिज्म फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी. हम 2 तरीके हैं, या तो ओवरसीज पाकिस्तानी से हम भीख मांगते रहें कि आप पैसे भेज दें. ये ऐसे है जैसे दाता दरबार के सामने बैठा हुआ एक फकीर है. 50% इकोनॉमी चलाने वाले हैं ओवरसीज पाकिस्तानी. सलाम है उनको, मगर कब तक देंगे वो? आप भी तो उनको कुछ दें. एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड बनाए. ओके? और उसको इंडिजिनस बिजनेसेस में लगाए. Indigenous business. Let professionals handle it. None of the bureaucrats. None of the 22nd grade officer is running some fund. Protectionism plus domestic economy. सब में बड़ा हर्डल जो मुझे था वॉल स्ट्रीट पे. 1994 से मैं पाकिस्तान आ रहा था. एक प्राइम मिनिस्टर थी, उनके शोर डील करते थे उस वक्त. ओके? तो मैं जब से आ रहा था $100 मिलियन का हमने पाकिस्तान फंड बनाया था मॉर्गन स्टैनली के साथ मिलकर. ओके? सब में बड़ा प्रॉब्लम क्या था हमारा पता है? एज अ फॉरेन इन्वेस्टर जिसके पास 50 ममालिक में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, वो सिर्फ अपनी हुब्बुल वतनी की वजह से सबको कन्विंस कर रहा है कि पाकिस्तान चलो. मगर money has no religion, money has no loyalty. What is my recourse? अगर मेरा लीगल डिस्प्यूट हो जाए इन्वेस्ट करने के बाद पाकिस्तान में, is there a speedy court? There is none. None. Why would I invest? I would rather make 11% than to make 31% and risk 100% of the capital. सब में पहले I would create dispute resolution courts of all sizes. $2 मिलियन से कम, $2 मिलियन से $25 मिलियन, $25 से $100 मिलियन, $100 से $1 बिलियन. With the time fixed duration, 3 to 6 months maximum. Maximum 3 to 6 months you have to, and you have one right of appeal. That is fine. Okay? आप ये करें. और उसको भी 3 to 6 months में conclude करना है. उसको भी 3 to 6 months में. जब तक एक इन्वेस्टर को ये सुकून नहीं मिलेगा यार कि मुझे इंसाफ मिलेगा, प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन मिलेगी, तब तक कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा. इसीलिए हमारे पास लैंड में, सोसाइटीज में एक ट्रेंड क्यों बना है? क्योंकि आपको पता है कराची में जहाँ से मैं हूँ, पहले वहां पर कहीं और इन्वेस्ट करते थे, कब्जा हो जाता था. जी हाँ. फिर DHA में नहीं होता तो लोगों ने DHA में, फिर उसके बाद बहरिया आया, उसके बाद 10 और पता नहीं सोसाइटीज आई. पीस ऑफ माइंड है ना कि मैं बाहर हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ है, मगर कोई लेके नहीं भाग सकता। इसी तरीके से एक इन्वेस्टर को भी रिकोर्स चाहिए। अगर मैं $500 मिलियन लेकर आ रहा हूँ, हमारे यहाँ सिर्फ G2G डील्स होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नॉट एवरी पर्सन इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ही माइट बी अ ह्यूज इन्वेस्टर बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। He can put together a $500 million fund sitting in Germany. He wants to invest in emerging markets, but he has no governmental connections. Plus, हमारी जितनी embassies और consulates हैं, उसके commercial office में कभी आप जाए ना, सर पकड़ के बैठ जाए। Barriers create करते हैं, facilitate नहीं करते। They have no idea first of all. Why are they creating barriers? Because they are not investment professionals. They're not commercial activity professionals. They're again bureaucrats. Again, fine, you're a bureaucrat. We will get you an MBA in finance and business. We will get you 7 certifications international in investments. Trainings. And go and do this. You now become the advisor to the consulate of any Pakistan in any city. हम ये चीज़ें करते ही नहीं है। इस इकॉनमी को सही करना कोई बहुत बड़ा तीसमार खान का काम नहीं है। रिफॉर्म्स हम कब लाए हैं? When have we had economic reforms? हमारा 5 साल का एजेंडा है कोई? इकोनॉमिक एजेंडा है हमारे पास कोई 5 साल का? 76 years में हमारे पास 5 साल का एक दफ़ा भी कभी 5 साल का इकोनॉमिक जिस पे कलेक्टिव विजडम अप्लाई करके सब ने एग्री कर लिया हो कि इसको नहीं छेड़ेंगे। मैं वहीं आ रहा था। ये 15 चीजें हैं, रेटिफाई कराएं नेशनल असेंबली से। इन 15 में से 7 या 8 चीजें जो है ना, उसको कोई माइकल लाल हाथ नहीं लगा सकता, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। For at least 10, 15, 20 years, ये short term, long term आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, आप उसमें बेहतरी ला मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं, हायर एंड फायर कर सकते हैं जो लोग चला रहे हैं, मगर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप 15 में से 6 चीजें ऐसी डिसाइड कर लें, फिर भी यू हैव 70% ऑफ प्लेइंग फील्ड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। You don't have to necessarily कि एक काम शुरू किया, 5 साल बाद आके उसको रिवर्स करके फिर दोबारा शुरू किया। हमारे यहाँ होता ही है। एक दूसरे के गुस्से में हम पूरा काम उल्टा कर देते हैं।